हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको एक काम जो आपको अपने गार्डन में डेली करना होता है और वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको लगता है कि मेरा गार्डन इतना अच्छा नहीं लगता है, उसमें मतलब सूखा सूखा सा रहता है गार्डन, तो उसके लिए वो टिप बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हो तो आपका गार्डन दिखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या है वो, तो आपको थोड़ा थोड़ा आप अगर कैच कर पा रहे होगे तो यस, वो है स्प्रे करना। यस, सो फ्रेंड्स, स्प्रे करना प्लांट्स पर बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए, ये मेरा कोलियस का प्लांट है और मैंने अभी कुछ देर पहले स्प्रे किया था सभी प्लांट्स पर अपने, तो काफ़ी अब जो लीव्स है वो अच्छी नई नई सी हो जाती है और देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है और प्लांट को भी ये बहुत पसंद होते हैं हमारे। तो दिन में कम से कम 2 या 3 बार तो आप स्प्रे ज़रूर करें अपने प्लांट्स पर, इससे आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा और आपका गार्डन शाइनी शाइनी दिखेगा एकदम से। और देख सकते हो यहाँ पर मेरा ये वाला प्लांट काफ़ी अच्छा लग रहा है जब स्प्रे करते हैं, तो देख सकते हो लीव्स काफ़ी सुंदर लगती है। तो इस तरीके से आपको अभी ने सभी प्लांट्स पर स्प्रे करना है, मॉर्निंग में कर सकते हो या फिर कभी जब भी आपको टाइम मिले हल्का सा स्प्रे कर सकते हो। तो स्प्रे करने के लिए मेरे पास देख सकते हो ये एक स्प्रे बॉटल है, इससे मैं इस तरीके से स्प्रे कर देता हूँ हल्का हल्का सा। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप ला सकते हो, न्यू गार्डनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है और काफ़ी सस्ता है, 20 या 30 रुपए में आपको इजीली मिल जाएगा और आप ला सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं। देख सकते हो काफ़ी अच्छी लीव्स लगती है स्प्रे करने पर। तो देख सकते हो मैंने अपने कॉलेज के प्लांट पर और यहाँ पर वैंडरिंग लीव जो है मेरी, इस पर भी मैंने स्प्रे कर दिया था इसमें, तो काफ़ी अच्छी लगती है ये भी। देख सकते हो स्प्रे करने से बूंद बूंद सी बहुत ही सुंदर लगती है। तो स्प्रे आपको रेगुलर बेसिस पर करते रहना है। तो मैं आपको अपने सभी प्लांट्स आज दिखाने वाला हूँ, तो लगभग कुछ प्लांट्स मैं आपको दिखाऊंगा। तो देख सकते हो यहाँ पर मेरी वैंडिंग जीव है और इस पर भी मैंने अभी स्प्रे किया था, तो ये भी काफ़ी नीचे तक लटक रही है, काफ़ी खूबसूरत लगती है दिखने में। एंड यहाँ पर मैंने लगा रखा है अपना मनी प्लांट की बेल बास्केट में ही, और ये भी काफ़ी हरी भरी है और अच्छी से इसकी ग्रोथ हो रही है। देख सकते हो किस तरीके से ये जा रही है ऊपर को, और थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मुझे इसे, बस ऐसे ही मैंने लपेट रखी है इसे, देख सकते हो बास्केट में। ओके, इसकी काफ़ी बड़ी बड़ी लीव्स है देख सकते हो और काफ़ी हेल्दी है, मैंने इस पर स्प्रे किया था। तो आपको भी स्प्रे करते रहना है तभी आपका जो गार्डन है वो अच्छा शाइनी दिखेगा। एंड यहाँ पर आपको दिख रही होगी मेरी एक और मनी प्लांट जो कि येलो कलर की होती है हल्की सी, बहुत ही लाइट कलर होता है इसका, ये मैं लाया था फ्रेंड्स के घर से, तो काफ़ी अच्छा है और ये मैंने छोटे से पॉट में लगा रखी है। तो ये देख सकते हो मैंने जो कटिंग्स लगाई थी अपनी, मैंने वीडियो में दिखाया था आपको, ये काफ़ी अच्छे से चल रही है। और यहाँ पर अब कटिंग में तो आपको स्प्रे करते रहना है और ये तो बहुत ही अच्छा होता है कटिंग्स के लिए। तो अगर आपने कटिंग लगाई है कहीं पर भी तो उसमें तो स्प्रे आप ज़रूर करिए, चाहे कोई प्लांट पर करिए ना करिए, लेकिन कटिंग्स पर ज़रूर करिए। और यहाँ पर है मेरा डायंथस, देख सकते हैं इस पर वाइट कलर का है ये, और भी है मेरे पास तो काफ़ी अच्छे से फूल खिलते रहते हैं। और इसमें ये तुलसी का प्लांट ऐसे ही निकल आया था गमले में, पता नहीं कैसे सीड्स आ गए होंगे इसके अंदर, तो मैंने नहीं उखाड़ा, तो देखते हैं। और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मेरा जो ये ग्रास वाला प्लांट होता है काफ़ी सुंदर लगता है देखने में, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन, तो इसे आप ला सकते हो अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मैं सभी प्लांट्स पर अपने स्प्रे करता हूँ जब भी टाइम मिलता है, स्प्रे में करते रहता हूँ। देख सकते हो काफ़ी सुंदर इसकी लीव्स है, बहुत ही अच्छे लगता है देखने में, तो आप भी इसे ज़रूर लगाइए अपने गार्डन में। और यहाँ पर मेरा जरबेरा का प्लांट जो मैंने इसके ऊपर बात की थी अपनी पिछली वीडियो में, अगर नहीं देखी तो आप उसे जाकर देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मेरा है क्रोटोन का प्लांट जो कि काफ़ी बड़ा हो गया है और इसकी लीव्स काफ़ी येलो कलर की हो रही है और काफ़ी सुंदर लगता है देखने में दूर से, और देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर है मेरा गुलदाउदी जो कि क्राइसेंथेमम है, मैंने बताया था आपको, ये 3 तरह के कलर्स इसमें कॉम्बिनेशन है, ऑरेंज है, रेड है, ऑरेंज येलो एंड वाइट कलर का, तो इनमें थोड़ी थोड़ी सी कलियाँ भी बननी शुरू हो गई है। अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आपको तो देख सकते हो इसमें कुछ बर्ड्स भी बननी स्टार्ट हो गई है, तो सभी में इनमें जो कलियाँ है वो बननी स्टार्ट हो गई है और बहुत जल्द इन पर फ्लावर्स भी आने वाले हैं। तो काफ़ी सारी गुलदाउदी मैंने लगा रखी है, आप देख सकते हो और भी लगा रखी है। तो ये कुछ इस तरीके की मेरे पास थी थर्माकोल की पेटी जो मैंने इसके अंदर ये अपनी लगा दी थी गुलदाउदी, तो अब पूरी भर गई है ये देख सकते हो। एंड
यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक गुड़हल की कटिंग लगाई थी जो कि काफ़ी अच्छे से चल रही है। ये हमारी जो क्रीम कलर का हल्का सा लाइट येलो कलर का फ्लावर आता है इस पर। और यहाँ पर मैंने कुछ देसी वाला जो सदाबहार का प्लांट होता है वो मैंने लगा दिया था। मेरे पास एक घड़ा सा था जो देख सकते हो आपको कुछ इस टाइप का घड़ा था। कलर करूँगा मैं इस पर, कलर नहीं किया मैंने, कलर करने पर बहुत खूबसूरत लगेगा ये भी। तो इस पर काफ़ी अब जब फ्लावर्स आने स्टार्ट हो गए हैं इस पर भी, और इस पर भी मैंने गुलदाउदी लगा दी थी हल्की सी। और यहाँ पर मेरा स्नेक प्लांट है तो इस पर मैंने स्प्रे नहीं किया था तो हल्का सा अब कर देता हूँ। स्नेक प्लांट तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है तो इस पर भी आप स्प्रे करिए ज़रूर। यहाँ पर मेरे कुछ मॉस रोजेज है देख सकते हो, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। इन पर भी काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है अभी भी, और विंटर आते आते कम फ्लावरिंग हो जाएगी तो उसके बाद थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी अगर बचाना है तो मुझे। और उसके बाद काफ़ी अच्छे से इस पर फ्लावर्स आते हैं देख सकते हो, काफ़ी अच्छा कलर है ये, बिल्कुल लाइट पिंक और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। देखिए स्प्रे करने से और भी खूबसूरती बढ़ जाती है प्लांट की, तो स्प्रे ज़रूर करिए आप अपने प्लांट्स पर सभी पर। और देख सकते हैं इसका फ्लावर काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं, तो इस तरीके से आप स्प्रे करिए तो काफ़ी सुंदर आपके प्लांट बन जाएंगे। पर देख सकते हो मेरा लैला मजनू का प्लांट है एक, देख सकते हो इसकी नीचे से लीव्स रेड कलर की होती है और ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है देखने में, गार्डन की शोभा बढ़ाता है। तो नीचे से देख सकते हो बहुत सुंदर लगता है, अगर आप इसे कहीं ऊपर रखते हो और नीचे से दिखता है तो इसकी लीव्स काफ़ी सुंदर लगती है। और वैसे तो पूरा ग्रीन होता है, काफ़ी अच्छा लगता है ऊपर से, काफ़ी अच्छे से इसकी भी ग्रोथ हो रही है तो इस पर मैं हल्का सा स्प्रे कर देता हूँ। एंड यहाँ पर देख सकते हो मेरा ये वाला प्लांट है और इस पर जो फ्लावर आते हैं मैं अभी तोड़ देता हूँ थोड़े बहुत, तो और काफ़ी अच्छे से इस पर बर्ड्स भी आती है लेकिन मुझे ग्रोथ ज़्यादा चाहिए इसकी तो मैं हल्के से फ्लावर की इसकी पिंचिंग करता रहता हूँ। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छे से ये बूसी टाइप बन गया है, मेरा पोर्ट पूरा का पूरा काफ़ी अच्छा रूप ले लिया इस प्लांट ने। एंड यहाँ पर कुछ स्पाइडर प्लांट्स मैंने लगाए थे वो यहाँ पर देख सकते हो आप हल्का सा, यहाँ पर ये हमारा ये वाला प्लांट है जो कि डेविल्स बैकबोन होता है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हो चैनल पर। और सभी प्लांट्स पर मैंने कोई ना कोई वीडियो बना रखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो सेपरेट वीडियो। सो बस एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक कटिंग लगाई थी क्रोटोन की जो कि ए लाइनिंग की हुई थी, इसमें रूट्स भी थी और काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, बहुत ही हेल्दी जो मेरी कटिंग है वो लग गई है। और कटिंग पे भी आपको स्प्रे करना है रेगुलर ताकि वो अच्छे से उसकी ग्रोथ होती रहे। सो बस इतना ही हम आज की वीडियो में, इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, सी यू, बाय बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय।